नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सुधाकर सिंह, आरजेडी के विधायक, आरजेडी के नेता, जिनके बयानों से महागठबंधन में भूचाल आ गया है, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है, बल्कि यूं कहें कहां तो कल तक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बीच की केमिस्ट्री बहुत ठीक समझी जा रही थी, और कहां आज का वक्त है कि नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू के बड़े नेता या नीतीश कुमार के करीबी नेता सीधे तौर पर अब धमकी दे रहे हैं आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, सुधाकर सिंह पर लगाम लगाइए नहीं तो गठबंधन के लिए और आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी, आरजेडी कार्रवाई करेगी, और सवाल यह भी है कि क्या सुधाकर सिंह अब मान जाएंगे, क्योंकि जेडीयू इस हद तक नाराज है कि वो उनकी पार्टी आरजेडी को धमकी दे रही है। लगता नहीं है सुधाकर सिंह मानेंगे, और इसकी वानगी भी सामने आ चुकी है, इसकी वानगी भी देखने को मिल रही है। सुधाकर सिंह जिस रफ्तार से नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं उस पर ब्रेक लगेगा यह लग नहीं रहा, और उसकी वानगी यह है, क्यों कह रहे हैं, उसकी वानगी सामने आ चुकी है। उसकी वानगी यह है कि सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के बचाव में उतरे नेताओं को खूब सुनाया है, और खासकर उपेंद्र कुशवाहा को तो बड़ा जबरदस्त धो दिया है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पर और सीधे तौर पर धमकी दी तेजस्वी यादव को कि सुधाकर सिंह जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को क्या जवाब दिया है सुन लीजिए। सुधाकर सिंह ने लिखा है कि प्रिय उपेंद्र कुशवाहा जी, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जानकर खुशी होगी कि लालू प्रसाद यादव जी की सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने वाले आप जैसे योद्धा का मैं पुराना प्रशंसक हूं, विशेष रूप से इस वजह से कि कई वर्षों पहले आपने नीतीश कुमार के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो आज सच साबित हो रही है। मुझे ठीक ठीक याद है कि आपने 9 दिसंबर 2011 को नीतीश कुमार को तानाशाह और अलोकतांत्रिक बताते हुए जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया था। उस समय मुझे भी आपके इस वक्तव्य पर आश्चर्य हुआ था, मगर आज आपकी दूरदर्शिता पर गर्व महसूस होता है। 2018-2019 में आपने नीतीश कुमार के कार्यकाल को बिहार का सबसे खराब दौर कहा था, जिस दौरान बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उस दौरान आपकी नजर में नीतीश कुमार सरकार चलाने के लायक नहीं थे। इन सटीक विश्लेषणों के लिए मेरा साधुवाद स्वीकार कीजिए। 4 वर्ष पहले आपके द्वारा आयोजित की गई नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ पदयात्रा आज भी हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, और हमें पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार को हटाने के लिए आपने जो नींव आज से 4 वर्ष पहले रखी थी वो जल्द पूरी होगी। आपने यही नहीं, सुधाकर सिंह ने यह भी लिखा है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन काल का सबसे खौफनाक मंजर रविवार 15 मार्च 2009 को देखा था, जब आपके सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारी संख्या में पुलिस बल भेजकर आपकी गैर मौजूदगी में आपकी वृद्ध माताजी, धर्म पत्नी समेत घर के तमाम सदस्यों को राजनीतिक शुचिता अथवा मर्यादा का ख्याल किए बगैर जबरन बाहर निकालकर सरकारी आवास खाली करवाया था। हम लोग आज भी आपके साथ हुए दुर्व्यवहार को याद कर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आपने बिहार के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। कृषि मंडी कानून आपकी पार्टी रालोसपा के घोषणा पत्र का प्रमुख हिस्सा था, जिसकी लड़ाई आज भी मैं लड़ रहा हूं। यहां तक कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर आपने आमरण अनशन भी किया था, जिसे हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव ने ही आपको जूस पिलाकर खत्म करवाया था। आपने जब पूरे बिहार में खीर पकाने की बात की तो हमने पूरी तन्मयता के साथ बिल्ली से उस खीर की रक्षा की तैयारी की, मगर हमें क्या पता था कि खुद बाघ ही बिल्ली को खीर की हांडी परोस आएगा और खीर बनाने वाले को एक चम्मच नसीब नहीं होगा। रही बात नीतीश कुमार को शिखंडी कहे जाने की, तो यह संज्ञा राजद के द्वारा आधिकारिक तौर पर कई वर्ष पहले ही नीतीश कुमार को दी जा चुकी है। उसे सहर्ष स्वीकार करने के बाद ही नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल से अपनी सरकार बचाने के लिए सहयोग की गुजारिश करने आए थे। आपकी सुविधा के लिए पूर्व में आपके द्वारा दिए गए वक्तव्यों या अनुभवों से संबंधित खबरों की कुछ तस्वीर आपसे साझा कर रहा हूं। हो सके तो इसको फ्रेम करवाकर घर में लगवा लीजिए, ताकि भविष्य में आपको भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता रहे और पूर्व की तरह आगे भी आप हमें मार्गदर्शित करते रहें। तो बिल्कुल तंज वाले अंदाज में उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया है, और सबूतों के साथ कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं, कुछ स्क्रीनशॉट डाला है सोशल मीडिया पर। वो स्क्रीनशॉट उन खबरों का नीतीश कुमार के खिलाफ, जब उपेंद्र कुशवाहा मुखर हुआ करते थे, नीतीश कुमार
को अलोकतांत्रिक और तानाशाह बताया था उपेंद्र कुशवाहा ने, और नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार वो बयान देते थे। तो सुधाकर सिंह ने कहा है इन चीजों को आप फ्रेम लगा के फ्रेम में टंगवा दीजिए घर में, ताकि आपको अपने कर्तव्य का एहसास होता रहे। तो बड़ी बड़े गजब जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर। बहुत बहुत धन्यवाद।